your superhero. Hope so. Interesting. Okay. And then. Okay. Some minutes from there, but we can reach. Like this. Yeah, stop the car. Stop the car. Russian people will boo, boo, boo. No, stop. Okay, okay. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछले दो दिन से मैं यहाँ पर था, बाहर नहीं निकल पाया। ये रहा मेरा होस्ट का रूम, हम फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं। और बाकी आज पहला दिन है, एक दिन भर को हम एक्सप्लोर करेंगे। और मैं यहाँ से एक होटल है सामने, एक सिटी सेंटर में एक होटल है जहाँ पर एक मेरे एक अफगानी दोस्त है, अफगानिस्तान का दोस्त है, उनसे हम मिलेंगे और उनके साथ हम सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू टेल मी द लोकेशन? डू यू स्पीक इंग्लिश? यस, कैन यू टेल मी द लोकेशन? I want to go again. This location. Prema? And bus stop? Bus stop. Bus stop. Shapa Dasdi? It's a hotel. Uh-huh. It's a fort, right? To the? Bus number, number. तो हमें उस पार जाना है, रोड के उस पार ही जाना है बोल रहे। तो आगे वहाँ हो रहा बस स्टैंड, वहाँ पे मुझे जाना है। और मौसम सही था, सडनली पता नहीं मौसम का क्या हुआ, इस हल्कल का देख सकते हो बारिश हो रहा है। तो आगे मैं बस स्टैंड पे, और इसी बस स्टैंड से मुझे जाना है जो मेरा डेस्टिनेशन है। हल्का हल्का बारिश हो रहा है आज, और मेरा बस है 30, ये है 35 ही नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। मेरा बस आ गया है, अंदर तक जाना है कैसे पता नहीं। स्कूल का, स्कूल का मनी। ओके, और दोस्तों को बता दूँ जो बस का जो फेयर है, पूरे सिटी में कहीं भी अगर घूमोगे तो उसका फिक्स प्राइस होता है, वो है 33 रुपये होता है फिक्स, कहीं भी चले जाओ सिटी के अंदर। चलो, मुझे यहाँ से अराउंड 5 मिनट का रास्ता है, मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा आगे। इस बिल्डिंग के उस पार, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है, बिल्डिंग के उस पार हमें जाना है। बाकी गाइस यहाँ पर मौसम सही है, बट उस साइड मौसम जहाँ पर, जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ पर बारिश वगैरह हो रहा था। तो मुझे यहाँ से आगे तरफ जाना है, और हवा बहुत तेज़ चल रहा है, ठंड लग रहा है मेरे को। हल्का सा टी शर्ट पहन के घूम रहा, मैं ड्रेस वगैरह लेके आया हूँ यहाँ पर, मैं ड्रेस लेके आया थोड़ा मोटा वाला, ताकि अगर ठंड लगेगा तो उसको पहन लूँगा। और ये स्कूटी बहुत ज़्यादा चलता है ये वाला, इसमें क्या होता है, आप एप्लीकेशन, एक हुस एप्लीकेशन होता है, हुस एप्लीकेशन, उसको आपको डाउनलोड करना होता है, बस टैप करो एंड देन पे करो, और ऑनलोड करके आप शहर पर कहीं भी घूम सकते हो। हमें वो वाला होटल है, उसके सामने हमें जाना है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने दोस्त को फ़ोन किया है, वो अभी तो आधे घंटे में आएंगे। तो कॉफ़ी शॉप में आया था, ये कॉफ़ी ऑर्डर में पी चुका हूँ, और वो भाई साहब है, बहुत ही प्यारे हैं। और अंदर ये उनका कॉफ़ी शॉप है, और अंदर और एक मोहतरमा आया है जिनको अंग्रेजी आता है। एरा, हेलो, हेलो, माय नेम इज अभिजीत, माय नेम इज याना, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, प्लीज़ हैव अ सीट। ओके, सो ये याना जो कि रशिया से, सो व्हाट डू यू फॉर लिविंग इन हियर इन रशिया? आई एम लिविंग हियर
What do you do for a living? You have a business? My business, I work at travel agency. Oh, really? Yes. Okay. Have you been in India? Yes, I was in India. It was my first trip abroad. Okay, it's the first trip. The first country, the first trip abroad. I was in India in 2010. Okay. It was my first country, as they said, and I like it very much. I was in Goa. You were in Goa? Mm-hmm. Oh, it's a long time, 2010. 13 years back. But you know, now every country is beautiful. Yeah, they have their own culture, their own taste. Yes. Yeah. I love India very much, and I send a lot of clients to your country. Okay. Yes. For your reservation for to the flight or anything, or you're planning, or you're planning for tourist. What is your plan? We have travel packages, mm-hmm. and we sell tourists in your country. Okay, like packages. Yes. 10 days, you have to pay something. Yes. Okay. So, यहाँ पर जो, I'm sorry, I'm forgot your name. Yana. So Yana यहाँ पर tourist agency में काम करते. What's the company name? The second name. Your company name, tourist company name. Name. Yeah. Fialkovska. Oh, it's hard to pronounce. For me. Yeah. Yana Fialkovska. Yes. Now your company name, tourist company name, agency, tourist agency name. Fly tour. Yes. ये वो fly tour का owner है. तो यहाँ पे ये सब जितने सारे जो packages हैं वो set करते हैं यहाँ पे. तो ये already जा चुके हैं already. So thank you so much. Why do you come to this city? Why do you choose this city to visit? See, the thing is that I'm first time I'm here in Russia, mm-hmm. and I'm a hitchhiker. You know hitchhikers. Take yes. a lift and go here and there. Mm-hmm. I'm traveling by foot from really? Russia to India for 6 months. It's my 6 month trip. Yes, really? yes. 6 months. I need your YouTube. Yeah, sure. I want to follow you and. Yes, it's really my pleasure. You're a superhero. Hope so. So, दोस्तों ये था बहुत सारे बातें मैम से. बहुत अच्छा लगा. और इंडिया और जो रशिया के जो एक जो फ्रेंडशिप है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चल रहा होगा. और बाकी ये छोटा सा एक आई एम जस्ट कमिंग बट ये छोटा सा एक कैफे है. कैन यू प्लीज टेल मी द व्हाट इज दिस? दिस इज सिरप, राइट? This is syrup. Okay. It used for cappuccino, for coffee. Okay. This is all right. You have to. Юра, мы его чуть-чуть покажем. This is a Russian tea. Okay, दोस्तों ये Russian tea. It's called Ivan chai. It's a herbal tea. Ivan chai. Ivan chai, right? और दोस्तों चाय को यहाँ पर चाय बोला जाता है. कोई अलग नहीं. हिंदी also chai. Chai. Yes. I love masala tea, right? Yes. सो और बाकी ये सब जितने सारे आप देख रहे हो ये सब सिरप है, कॉफ़ी सिरप है, देख सकते हो सब कॉफ़ी सिरप है. सो बाकी यह और थोड़ी देर बाद हम चलेंगे हमें दोस्त को मिलने. ऑलराइट दोस्तों, तो हम दोस्त से मिल चुके हैं. दोस्त का एक और एक दोस्त आया है. तो सबसे पहले भाई से मिलाते हैं. भाई फ्रॉम अफगानिस्तान. अस्सलाम वालेकुम. नमस्ते. एंड हियर इज अनदर फ्रेंड. हाय, आई एम फ्रॉम रशिया. व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज एनास्टेशिया. एनास्टेशिया एंड हयात भाई. तो हम दोनों तीनों मिलके जा रहे हैं सिटी को एक्सप्लोर करने. सो वेयर आर गोइंग राइट नाउ? वी आर गोइंग टू प्लोटिनका. दिस इज वन ऑफ द मेन स्ट्रीट और प्लेस दैट यू शुड विजिट हियर इन एक्सटेंडर. प्लोटिनका. इट्स लाइक अ रिवर एंड वन पार्ट ऑफ इट इज मेड बाय सम मटेरियल, सो इट्स क्लोज्ड एंड वाटर कैन नॉट गो देयर. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल. इट्स काइंड ऑफ सिटी सेंटर, राइट? यस. सो अभी हम एक सिटी सेंटर को जा रहे हैं. जगह का नाम है प्लोटिनका. वहाँ पर कुछ रिवर वगैरह है जो भी है देखते हैं. और बाकी मौसम बहुत सुहाना हो गया, ये देख सकते हो. थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा था. इट्स रेनिंग बिफोर वन आवर सम समवेयर रेनिंग. या दे वुड बी रेनिंग सून अराउंड दोस पार्ट्स. यहाँ पर लोग बहुत खाली, इतना बड़ा शहर में पूरा लोग पूरा खाली है. हमारे इंडिया में तो एक जगह नहीं है खड़े होने के लिए, इतना पॉपुलेशन है. अभी तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो चुका है. This is one of the old governmental post office in here, which was built during the Soviet times or even before that. In Soviet time, right? Yeah, and it has
a shape of a tractor. If you go it from, if you see it from up, it has a shape of a tractor. This is the upper part of the tractor, that's the down part. Okay, that means we need a drone, right? Yeah, we need a drone. But I don't have to go on that highest building to see the building. So, you can see this building building. It's from the post office from Soviet times. And it looks like a truck. I'm telling you. So, let's go to the next side. So, and you see this red line? Mm-hmm. Do you know what it means? No, I don't know. You can see this line all along this Yekaterinburg, and it will bring you to some good places that you can visit. So there is this red line that will bring you to post office. Okay. Next time it will turn to go to Vysotsky, then it will come to Plotinka. Mine is the famous place in Yekaterinburg, right? Yes. Okay. दोस्तों एक चीज अभी पता चला. ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो यहाँ से आप चल के जाओगे खास करके इट्स मोस्टली फॉर टूरिस्ट राइट यस फॉर टूरिस्ट या ये जो रोड आप देख रहे हो इस रोड से आप चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं जो मोस्ट विजिटेड प्लेस है मोस्ट टूरिस्ट फेमस अट्रैक्शन जो वहाँ के लेके जाएंगे तो चलते हैं और देखते हैं सो वी कैन ट्राई लेट्स ट्राई बट इट्स रियली लॉन्ग ओके तो अनास्थी से बोल रहे हैं कि अगर आप अलोन हो कि मैं जैसे इंडियन से मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ पर लोकेशन तो मैं अगर ये रेड स्ट्रीट पकड़ के चलूँ तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट प्लेस पे मुझे लेके जाएगा राइट तो एग्जांपल ये है कि ये देखो ये जो रूट अभी लेके गया है ये सामने प्लातिनका का जहाँ पर हम आने वाले थे वाह ये बहुत ही नया है फॉर मी इट्स वेरी न्यू न्यू थिंग सो ये है प्लातिनका का जहाँ पर लोग हैंग आउट करते हैं यहाँ पर टाइम पास करते हैं अगर फ्री रहते हैं तो और ये कुछ बिल्डिंग्स है दिस इज द सिंबल ऑफ यकटेरिनबर्ग इफ यू राइट यकटेरिनबर्ग ऑन सर्च दिस इज द फर्स्ट पिक्चर दैट विल कम टू यू दिस वन राइट यस दिस इज द हाउस ऑफ सेबास्टियानोव देयर आर सम इंपॉर्टेंट फिगर्स इन आवर हिस्ट्री ओके दिस वन राइट यस दिस बिल्डिंग हियर यू गो ये रहा ये रिवर ए ब्लॉक्ड राइट दिस रिवर इज ब्लॉक्ड राइट या इट्स ओपन और ब्लॉक्ड It's somehow open, somehow blocked. In this part, it's not for general people to swim on it. Okay. But it's really long enough. If you go, you can follow it. The water goes. Okay. But in the evening, it looks so good, right? Because yeah. I say we realize that there. And all buildings will be light. But यहाँ से पूरा जैसे skyscraper दिखता है. शाम को time ये बहुत अच्छा लगता है. और बाकी you can rent the boat, right? Yeah. Okay. और यहाँ पे boat rent कर सकते हो. और स्विमिंग इज नॉट अलाउड राइट यू कैन नॉट स्विम हियर पर यहाँ पर आप स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते अगर बोट चाहिए आप तो वहाँ से आप टिकट खरीद के एंड देन आप टूर कर सकते हो ओके दोस्तों तो अभी हम और एक प्लेस पे चले हैं सिटी सेंटर के अंदर एक बहुत ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो अनास्तासिया ये बताएंगे कि क्या इसके अंदर क्या क्या हिस्ट्री है इसके पीछे सो टेल मी अबाउट समथिंग दिस मॉन्यूमेंट इट्स कॉल्ड स्टालिनस्की विसोत्की दे आर लोकेटेड इन एवरी सिटी ऑफ रशिया इन बिग सिटीज देयर कुड बी एन अथॉरिटी ऑफ द सिटी और सम इंपॉर्टेंट पीपल एंड इट वाज बिल्ट इन 1950 ईयर एंड द प्लेस इज कॉल्ड 1905 कितना पुराना आप सोच सकते हैं ये बिल्डिंग है और इनके नाम पे मेट्रो ऑल्सो देयर राइट सेम नेम राइट यस दोस्तों ये सामने आप जो देखो यकटेरिनबर्ग का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल इसके अंदर आप डायरेक्ट मेट्रो से भी जा सकते हो मेट्रो स्टेशन इसके अंदर है और इसी के अंदर बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स और सिनेमा हॉल सब कुछ है सो या यही है तो बाकी चलते आगे सो वेर आर यू गोइंग नेक्स्ट टू द ओके मैं इनको बता रहा हूँ कि इंडिया में कोई सिग्नल का केयर नहीं करता तो बोले नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं होता In India, in Afghanistan, they don't care about the lights. Yeah. We are the light. Once we go, the light should be off. yes. And we're doing like this. Like this. Yeah, stop the car. Stop the car. Russian people will boo, no, stop. Okay. India mein haath se sab kaam chal jata, but yahan par haath dikhao to uda denge. And this is a very wide street. Yeah, it's a very wide. तो दोस्तों अभी हमें पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप चल सकते हो और शाम के बहुत सा हैपनिंग सा माहौल रहता है और ओपन म्यूजिक वगैरह राइट इन द इवनिंग राइट यस एंड हियर ऑन दिस स्ट्रीट यू कैन सी डिफरेंट स्टोर्स मेबी कैफेस सम आर्ट प्लेसेस आई एम सेइंग इन द इवनिंग टाइम देयर इज लॉट्स ऑफ म्यूजिक ओपन डांस एंड पीपल आर कम एंड चिल राइट
यहाँ, और इवनिंग में बहुत अच्छा माहौल होता है। देखते अगर शाम को टाइम मिलेगा तो यहाँ पर आएंगे ज़रूर। और यहाँ पर कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं है इसके अंदर, आप बस पैदल ही घूम सकते हो यहाँ पे। और जो भी आपका शॉपिंग वगैरह कुछ करना चाहते हो तो यू कैन। This street, let me tell you, this street is one of the most popular streets that of Ekaterinburg. If Ekaterinburg, like anytime coming here, 1, 2, 3 people are walking here. Yeah, people, these shops that you can see, these are from very long time ago. They're really old. They recovered it back, but they are so old and they are so expensive. Right? Yeah. Okay, दोस्तों अभी हयात है बोल रही है, जितने सारे आप शॉप देख रहे हो इतने सारे, ये सोवियत टाइम से है। ये सामने से आपको मतलब इसको रिनोवेट किया गया है, बट ये सोवियत टाइम से ही है क्योंकि बहुत ही पुराना है और यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है। इतने सारे चीज़ें आप यहाँ पर दिख रहा है और बाकी प्लेस बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। What is the meaning of it? Happy people. You need to press button. Press the button, yes. And somewhere in the world, a random person will become happy. Really? Okay, दोस्तों तो ये जो एक बटन देख रहे हो यहाँ पर लिखा है and somewhere in the world a random person will become happy. आप अगर यहाँ पर press करोगे तो दुनिया के कहीं ना कहीं एक लोग खुशी मतलब खुश हो जाएंगे एक प्रेस पे। तो मैं ट्राई करता हूँ। कैन यू प्लीज़ होल्ड दिस, कैन यू प्लीज़ होल्ड दिस, थैंक यू। तो दोस्तों ये जो आप पीछे देख रहे हो जो बड़ा सा बटन है, इसमें अगर आप प्रेस करोगे तो वहाँ पर मेंशन है कि दुनिया में अगर एक बार प्रेस करोगे तो कोई कहीं ना कहीं एक लोग खुश हो जाएंगे दुनिया में कहीं पर भी। तो मैं ट्राई करता हूँ। आई ट्राइड 3 times, होप करता हूँ कि 3 लोग खुश हो जाए दुनिया में। So yeah, thank you so much. Happy. Here we can see how many people pressed the button. Okay, कारी यहाँ पर mention भी है कितने लोग press किए। लोग बहुत सारे लोग आप देख सकते हो। So दोस्तों अभी time है इन लोगों से अच्छे लोगों से विदा लेने का। ये लोग अभी चले जाएंगे। So thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Welcome to Russia. Thank you. What is your welcome in Indian? Namaste. Namaste. Ishwar, yeah. Namaste. Yeah. Namaste. Namaste. So thank you so much. Ishwar. Thank you so much. So बाकी ये लोग तो चले जाएंगे अभी और मैं भी थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 4:30 और मुझे शाम को जो इवान भाई है वो मुझे कहीं पे लेके जाएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर बैठूँगा एंड देन उसके बाद मैं चला जाऊँगा। Never really know just what you want with you. दोस्तों वो दोनों तो चले गए, मैं फिर से निकला हूँ आगे की थोड़ा एक्सप्लोर करने सिटी को क्योंकि मैं कल या परसों में चला जाऊँगा। तो चलते आगे की तरफ।
दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ एक दिन भर के सबसे ब्यूटीफुल चर्च में। यह सामने देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी शाम का टाइम है 5:30 बजे और कोशिश करता हूँ अंदर जाने के लिए, पर वीडियो अलाउ हो तो आपको ज़रूर से दिखाएंगे। और ये फ्लावर क्या लग रहा है, वाह दोस्तों ओरिजिनल है लग रहा है ओरिजिनल नहीं है बट पूरा ओरिजिनल है। तो चलते अंदर और पूछते अंदर किसी को अगर अंदर वीडियो अलाउ है कि नहीं। वीडियो यस यस ना आह थैंक यू। मातमा बोल रही कि उनको नहीं पता वीडियो कटने की, बट चलते अंदर। दोस्तों कैसा लगा ये चर्च आपको? अंदर में बात नहीं कर पाया क्योंकि प्रेयर चल रहा था, और अगर मैं बात करता तो वो डिस्टर्ब हो जाते। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बिल्कुल ही सिटी सेंटर में ही है और अंदर जाते ही कोई शोर शराबा नॉइज कुछ भी नहीं है। अच्छा दोस्तों धूप आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। रशिया में धूप मतलब बहुत अच्छा है, सुबह से बहुत ठंड लग रहा था मेरे को, धूप आ गया अच्छा लग रहा है। और दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 7 बजे और मैं भी रूम की तरफ जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत सारा ड्रेस गंदा पड़ा है उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि कल परसों मैं निकलने वाला हूँ और एक डेस्टिनेशन पे। सो होप सो कल शायद रुक सकता हूँ, कुछ गारंटेड नहीं है। जो भी है मैं अभी चलता हूँ रूम की तरफ। और चारों तरफ अभी गोल्डन गोल्डन लग रहा है, अभी लग रहा है पूरा गोल्डन जैसा लग रहा है क्योंकि धूप आ गया और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है धूप की वजह से। चलते उस पार, हमें एक्चुअली मुझे उस साइड जाना है। तो ओ रेड हो गया, वेट करते हैं ग्रीन का अन उसके बाद चलेंगे। चलो भाई ग्रीन हो गया, चलते उस पार। मुझे जाना है बस स्टॉप पे, इस साइड है बस स्टॉप। एक बार मैप चेक कर लेता हूँ, ये रहा बस स्टॉप, इसी बस स्टॉप से मुझे आना है मेरे रूम पे। ये वाला आगे वाला मेरा बस है 35-36। और सिटी के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत बेस्ट है यहाँ पे, रशिया के अंदर हर एक 3-4 मिनट बाद बाद आपको गाड़ी मिलते जाएंगे, बस बोलो ट्राम बोलो ट्रॉली बस बोलो, बेस्ट है। और सिटी के अंदर आप हो रशिया में हो तो आप काइंडली दुआ गिस 2GIS ये वाला एप्लीकेशन यूज़ करना, तो उसमें आपको हर तरीके टैक्सी मेट्रो बस सब कुछ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसका लोकेशन, बस कितने टाइम बाद आएगा, किस बस स्टॉप पर रुकेगा, कितने नंबर का बस, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। गूगल इतना ज़्यादा इसके बाद इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है गूगल में रशिया में अगर हो तो, सबसे बेहतर है आप यहाँ का जो 2GIS है वो यूज़ कर लीजिए, वो बेस्ट है। बाकी दोस्तों मैं रूम पे आ चुका हूँ, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा, एक लाइक एक कमेंट और एक शेयर जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।